अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, इस पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। इस बीच अब एनसीपी शरद पवार गुट के एक नेता का भगवान राम को लेकर एक विवादित और बेतुका बयान सामने आया। दरअसल एनसीपी नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने महाराष्ट्र के शिरडी में एक कार्यक्रम में कहा कि भगवान राम शाकाहारी नहीं थे, वे मांसाहारी थे। एनसीपी नेता ने कहा कि 14 साल तक जंगल में रहने वाला व्यक्ति शाकाहारी भोजन खोजने के लिए कहां कहां जाएगा, ये चीज लोगों को सोचनी चाहिए। भगवान राम को मांसाहारी बताने वाले बयान को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ भाजपा ने सख्त रुख अपना लिया है। भाजपा नेता राम कदम ने एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज करा दी है। एनसीपी नेता के बयान के बाद भाजपा ने भी इस पर पलटवार किया। महाराष्ट्र भाजपा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके आपको क्या खुशी मिलती है पता नहीं, लेकिन ये आपका आचरण दिखाता है। जितेंद्र आव्हाड को ये याद रहा कि जंगल में जानवरों का शिकार किया जाता है, लोग खाते भी हैं, लेकिन वे शायद ये भूल गए कि फल अभी भी जंगलों में लगा करते हैं। अनाज पहले जंगलों में आया और बाद में शहरों में, ये धरती पहले जंगल ही थी, बाद में शहर बसे। खैर, इस मामले पर संत समाज की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई। बयान आया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख पुजारियों में से एक आचार्य सत्येंद्र दास का, सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, एनसीपी के जो नेता जितेंद्र आव्हाड बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठा बोल रहा है। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे, और सभी जगह लिखा है कंदमूल फल खाते थे। वो 14 वर्ष तक जो वनवास में रहे वहाँ सभी प्रकार के जो कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे, और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए जो जितेंद्र बोल रहे हैं कि एनसीपी के नेता कि भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे, ये झूठ है, एकदम गलत है, और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं, लेकिन सबके होते हुए उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। सदा भगवान हमारे शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ साथ कंदमूल खाते थे, इसलिए ऐसा कहना गलत है और झूठा है। ये निंदनीय भाषा बोल रहा है, हमारे प्रभु को बदनाम करने की जो भाषा बोला वो है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निकृष्ट यह विचार है, इसने इसकी जितनी घोर निंदा किया यह कम है। हालांकि मामले के गर्म होते ही जितेंद्र आव्हाड वापस मीडिया के सामने आए और माफी मांगते हुए बोले कि मेरी मंशा किसी को भी दुख पहुंचाने की नहीं थी, लेकिन माफी के अलावा वे अपनी बात को साबित करने के लिए साक्ष्य के तौर पर वाल्मीकि रामायण लेकर आए और अपना पक्ष रखने लगे। ये कैसी माफी थी कि आपने माफी भी मांगी और फिर अपने द्वारा दिए गए बयान की सफाई भी दी। सुनिए उन्होंने इस बार क्या कहा। देखो, मैं उस भूमिका के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने कोई खुद की भूमिका घर से नहीं लाई थी, ये वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है। ये जो ऑथेंटिक वर्जन ऑफ रामायण लिखा है 1891 की किताब है, कलकत्ता में प्रिंट हुई है, कुछ IIT कानपुर ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है, और ये सब मैं जनता के सामने आपके माध्यम से रख रहा हूँ। ये तो मैंने नहीं किया, 1891 में जो लिखा वो वाल्मीकि रामायण का कथन किया है वो तो मैंने नहीं किया। कुछ लोग सही धीरे वाल्मीकि रामायण में 6 स्कंद है, कांड है, बाला कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। इसमें का जो अयोध्या कांड है उसका 52वां सर्ग जो है
उसका 102 नंबर का श्लोक क्या कहता है वाल्मीकि रामायण का, आप पढ़ लीजिए, सभी रामायण पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। पर फिर भी लोक भावनाओं की आदर करके, लोक भावनाओं की का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा, बहुत जन का दिल दुखा है। लड़कियां उठाने ले जाने वाले भी आज मेरे ऊपर कूद पड़े हैं, उनका भी नाम राम ही है। आप कायम है इस ध्यान के ऊपर? मैं खेद व्यक्त करता हूँ, इससे का मतलब क्या होता है? मैं खेद व्यक्त करता हूँ और आपको भी पढ़ने के लिए देता हूँ, शाम को पढ़ के बताइए मुझे इसमें क्या है और ये मैंने लिखा है क्या।